मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर रस्टी अपने क्लासरूम में दिखाया जाता है। उसी के पास उसकी क्रश जिसका नाम था केट, वो बेंच पर सो रही थी। उसके नाक से खून बह रहा था। रस्टी को केट का इस तरीके से खून बहना अच्छा नहीं लगता। उसे इसके बारे में पूछ लेता है। केट उसकी आवाज से उठ जाती है। उसे कहती है कि ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही होता रहता है। क्लास खत्म होने के बाद रस्टी बाहर निकलता है। उसने देखा कि केट किसी और लड़के को किस कर रही थी। रस्टी को ये बात थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में हम रस्टी की सिस्टर सैम को देखते हैं। उसका पूरा नाम समंता था। वो एक लड़के से बात रही थी। उसे कह रही थी कि पहले मैं प्रेजेंट से ज्यादा आगे क्या होगा इसके बारे में बहुत सोचा करती थी, पर एक्चुअल में अब इस मूवमेंट पर मैं फोकस कर रही हूँ। जिंदगी हमें सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो इसे खुलकर जीना चाहिए। आगे क्या होने वाला है इसके बारे में वरी कर हमें नहीं जीना चाहिए। इसके बारे में उस लड़के से भी पूछ रही थी, पर वो लड़का अपने नशे में था। उसने सैम की किसी भी बात पर गौर नहीं किया था। सैम फिर उसे कहती है कि अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए हम कहीं पर जा सकते हैं। वो लड़का भी उसके साथ चलने के लिए फिर रेडी हो जाता है। सैम उसके घर पर चली गई। टेबल पर एक बुक पड़ा था, उसको लेकर वो बात करने लग गए। बातों बातों में दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। ये सीन वहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम विलियम को देखते हैं, जो रस्टी के फादर थे। वो अपने नेबर के घर में देख रहे थे। एक्चुअल में उस घर में जो रह रही थी ये उनकी डिवोर्स्ड वाइफ थी। उनके एक्स वाइफ का नाम था एरिका। एरिका अपने नए हस्बैंड के साथ रह रही थी। वो दोनों आज झगड़ा कर रहे थे। विलियम उन दोनों की बातों को बहुत ही गौर से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि उन दोनों का झगड़ा है बहुत ही अच्छा ड्रामा है। वो भी एक राइटर है तो बहुत ही डीप इसे एनालाइज करता है। उसे लग रहा था कि जब वो अपने एक्स वाइफ के साथ था तो उसके घर में भी वही चलता था, बस अब मेन कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया है। विलियम को बदल कर उसकी वाइफ ने किसी और को डाल दिया है। उसकी वाइफ का हस्बैंड जरा यंग था। ये सब सोचते हुए विलियम विंडोज के पास खड़ा था तो अंदर से डॉग उस पर भौंकना स्टार्ट कर देता है। एरिका का हस्बैंड उसे देख लेता है। अपनी चोरी पकड़ी गई तो विलियम जल्दी से वहां से भाग गया। अगले सीन में मॉर्निंग के टाइम पर हम विलियम के घर में रस्टी को देखते हैं। रस्टी किचन में खाना बना रहा था। एक्चुअल में विलियम उसके फादर है। इसके बाद विलियम टेबल पर आते हैं। उनका अब डिवोर्स हो चुका है, फिर भी अपनी वाइफ के लिए कुर्सी और रखा करते हैं। उसके लिए वो डिश भी रखते हैं। अब यहाँ पर डोलबेल बजती है। हम देखते हैं कि रस्टी की सिस्टर सैम घर पर आ गई है। दोनों खुशी से सैम का वेलकम करते हैं। टेबल पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठे। रस्टी और विलियम के बीच में कुछ बात चल रही थी, पर सैम से अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती। वो उन्हें गुड न्यूज देती है कि उसकी बुक अब पब्लिश होने वाली है। सब लोग इस बात से बहुत खुश हो गए। विलियम भी बहुत बड़े राइटर थे और उन्हें अपनी बेटी पर नाज था। उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बुक के पब्लिशर कौन? सैम बता दिए कि स्क्राइबनर एक बहुत ही बड़ी पब्लिशिंग कंपनी थी। विलियम इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। रस्टी को पब्लिशर अच्छा नहीं लगता था। सैम उसे कहती है कि तुम्हें कोई उनसे ऑफर आया है। इस बात से रस्टी चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कभी भी जेलस फील नहीं करता, मैं सिर्फ अपने ओपिनियन दे रहा था। दोनों की बातों को काटते हुए विलियम कहते हैं कि बहुत ही खुशी की बात है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सबके हॉलीडेज भी चल रहे हैं तो हमें जरा एंजॉय करना चाहिए। रस्टी फिर अपनी सिस्टर को कांग्रेचुलेट करता है। विलियम कहता है कि पब्लिशिंग लोगों को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, उनसे फिर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सैम कहती कि मैंने जब बुक को सबमिट किया था तो मेरा एक्चुअल नेम यूज नहीं किया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर की वजह से उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, वो खुद कुछ कर दिखाना चाहती थी। विलियम इस बात से बहुत प्राउड हो जाते हैं और फिर इसके लिए चीयर करते हैं। चीयर करते वक्त उन्होंने बुक का नाम लिया, ये नाम था जस्ट सेइंग हाई। सैम उनसे कहती है कि जस्ट सेइंग हाई मैंने सेंड नहीं की थी, उसने एक्चुअल में एक न्यू बुक लिखी थी और वही सेंड कर दी थी। विलियम को लग रहा था कि शायद सैम ने सिर्फ बुक का नाम चेंज किया पर उसने पूरी बुक को चेंज कर दिया था। सैम कहते कि उस बुक को पब्लिश करने के लिए पब्लिशर ने मना कर दिया था, इसी वजह से उसने न्यू बुक लिख डाली। विलियम इस बात से बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि उस बुक पर उन्होंने बहुत काम किया था, उसे प्रूफ रीड भी किया था। इस बात से विलियम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर कुछ काम के लिए वहां से निकल गए। टेबल पर बैठे हुए सैम और रस्टी आपस में बात करते हैं। सैम कहती है कि क्या एक खाली चेयर तुमने रखी, वैसे मॉम यहाँ पर वापस नहीं आने वाली। रस्टी कहता है कि क्यों ना हम मॉम के पास जाकर उनसे बात करें। सैम इस बात के लिए मना करती है और कहती है कि उन्हें बता देना कि डैड को छोड़ दे। रस्टी फिर चला जाता है। रस्टी अपने मॉम के घर पर जाकर खाना खाता है। वहाँ पर सैम की बुक के बारे में बात होती है। यहाँ पर एरिका का हस्बैंड ये विलियम के बारे में कुछ गलत कह देता है। इस बात से रस्टी और उसके बीच में झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में एरिका रियलाइज करती है कि रस्टी ने नशे किए हुए हैं। इसके बारे में वो रस्टी से पूछती है। रस्टी टेबल से फिर उठ जाता है। बाद में एरिका और रस्टी दोनों बात करते हैं। उसे पूछती है कि क्या एक्चुअल में सैम की बुक पब्लिश होने वाली है। रस्टी इसके लिए हाँ कहता है। एरिका बहुत ही खुश थी। वो रस्टी को गले लगाती है और कहती है कि सैम की तरह तुम मुझे कभी भी हेट मत करना। नेक्स्ट सीन में हम सैम और विलियम को देखते हैं। सैम कहती है कि मैंने घर के किचन का काम कर दिया है। विलियम पहले जरा गुस्सा थे और इसी वजह से अपने बिहेवियर के लिए उसे सॉरी कहते हैं। वो दोनों फिर बुक को लेकर बात करने लगते हैं। विलियम कहता है कि गलती मेरी है, लास्ट बुक में मैंने बहुत वर्क किया था, इसी वजह से शायद तुम्हें लगा कि न्यू बुक में पढ़ूंगा भी नहीं। सैम फिर अपनी न्यू बुक विलियम को पढ़ने के लिए दे देती है। जाते जाते सैम उनसे पूछती है कि आप मदर के लिए अभी चेयर क्यों रखते हो, क्या आपको पता है कि कल उनके हस्बैंड
मार्टिन ने पुलिस को कॉल किया था क्योंकि आप उनके घर पर नजर रखते हो, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। आप एक फेमस राइटर हो और आपके लिए सही नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रस्टी और सैम घर पर वीड का नशा कर रहे थे। सैम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है। रस्टी कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम है केट, वो मेरे साथ ही पढ़ती है, उसके बारे में बहुत बात करता है। सैम उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। रस्टी उसे एडवाइस देने के लिए मना करता है पर फिर भी सैम उसे बताई देती है। वो कहती है कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक दिल खोलकर प्यार करने वाले और एक मायूस होकर प्यार करने वाले। जो लोग दिल खोलकर प्यार करते हैं उन्हें अगर अपना सच्चा प्यार मिला भी नहीं फिर भी फ्यूचर में जाकर उन्हें उनका प्यार मिल ही जाता है, वो उस पर्सन को अपना पूरा प्यार देते हैं। पर मायूस होकर जो लोग प्यार करते हैं वो किसी एक को ही अपना समझ बैठते हैं और आगे चलकर वो प्यार नहीं कर पाते। वो कहती है कि तुम्हें दिल खोलकर प्यार करना चाहिए। सैम को लगता था कि रस्टी बहुत मायूस है, रस्टी को उसकी एडवाइस उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। नेक्स्ट डे रस्टी अपने क्लास में खुद लिखी हुई पोएम प्रेजेंट कर रहा था। इसमें उसने एक एंजल के बारे में लिखा था। पोएम खत्म होने के बाद केट और रस्टी बाहर मिलते हैं। केट ने रस्टी की लिखी हुई पोएम की बहुत तारीफ की। बातों बातों में केट का बॉयफ्रेंड उसे फिर से बुला लेता है। रस्टी को अच्छा नहीं लगता कि केट उसे बात कर रही थी और बॉयफ्रेंड की वजह से उसे जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन में हम विलियम को बाहर बुक पढ़ता हुआ देखते हैं। वहां पर ट्रिशिया आ जाती है, वो विलियम को जल्दी से घर आने के लिए कहती है। उसके पास वक्त बहुत कम था। घर आकर ये दोनों इंटीमेट हो गए। उसे फिर से नेक्स्ट थर्सडे को मिलने वाली थी, इसके लिए उसे रेडी होने के लिए कहती है। इसके बाद वो चली गई। ये हर थर्सडे को एक दूसरे से मिला करते थे। विलियम घर पर बैठे बैठे रस्टी के जनरल्स पढ़ रहा था। रस्टी ये देख लेता है और विलियम पर वो गुस्सा हो जाता है। विलियम खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी थी, मैं फिर रुक गया था। रस्टी पूछता है कि आपको लाइन कैसी लगी। विलियम कहते हैं कि अगर इस लाइन को अपने बुक की तुम फर्स्ट लाइन बना दो तो लोग इसे जरूर पढ़ेंगे। वो फिर उसे उसका जर्नल वापस दे देते हैं। विलियम फिर बैठ कर रस्टी को समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी उम्र के लड़के बहुत मजे करते हैं पर अपने गोल को लेकर भी काफी सीरियस होते हैं। तुम हमेशा सिर्फ एक ही लड़की के बारे में सोचते रहते हो, तुम्हें छोड़ देना चाहिए, अपने काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि रस्टी और उसका फ्रेंड जॉनसन एक गाड़ी लेकर एक पार्टी में जाते हैं। वहां पर रस्टी को केट काफी नशे में दिखती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देखता है। केट का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। उसका बॉयफ्रेंड उसे जोर से पुश करता है। उसे गिरता हुआ देखकर वहां पर रस्टी आ गया। रस्टी इस बात से गुस्सा हो जाता है। वहां पर लड़ाई कर केट को अपने साथ लेकर जाता है। पैरेलल में हम देखते हैं कि सैम भी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में गई हुई थी। उसकी मदर एरिका उसे फोन पर कॉल कर रही थी पर इसे वो रिसीव नहीं करती। गाड़ी लेकर केट और रस्टी वहां से निकल जाते हैं। केट कहती है कि मुझे घुटनों पर चोट लगी हुई है, मैं नशे में भी हूँ और इस हालत में अपने घर पर नहीं जा सकती। वो आज रात के लिए रस्टी के घर पर ही रुकना चाहती थी। घर पर विलियम भी ठीक से सोए नहीं होते तो फोन की आवाज से उठ जाते हैं। फोन पर एरिका थी और वो घर के बाहर आई थी। एरिका सैम के लिए बहुत ही स्ट्रेस में थी। वो इसके बारे में विलियम से बात करती है। एरिका को बुरा लग रहा था कि उसकी बेटी ने उसकी लाइफ की इतनी बड़ी बात उसे शेयर नहीं की और उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। जिस तरीके से विलियम बिहेव करता है इस बिहेवियर से भी एरिका बहुत परेशान थी और शायद इसी वजह से सैम उसे नफरत करने लग गई है। एरिका और विलियम में उनके रिलेशनशिप के बारे में बातचीत होती है। उसे कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। विलियम कहता है कि तुम्हारा और मार्टिन का झगड़ा हुआ था, ये बात मैंने नोटिस की थी। एरिका इस बात से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सैम को पार्टी में देखते हैं। उसे लुइस मिलने के लिए आया। लुइस सैम से फ्लर्ट कर रहा था, कह रहा था तुम्हारा फ्रेंड बहुत बुरा है, तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। सैम उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी पर उसे पता चलता है कि लुइस भी उसी के क्लास में पढ़ता है। उसने उसे कभी भी नोटिस नहीं किया था। लुइस को यह भी पता था कि सैम की बुक अब पब्लिश होने वाली है। सैम फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रस्टी जल्दी बर्फ लेकर आता है, केट को अपने घुटनों पर लगाने के लिए कहता है। तभी वहां पर विलियम आ गया और पूछता है कि केट को क्या हुआ, ये चोट उसे कैसे लगी। केट ही उन्हें सब कुछ बताती है। विलियम कहता है कि रस्टी हमेशा मुझे तुम्हारे बारे में बताते रहता है, ये कहकर वहां से चले गए। केट रस्टी से कहती है तुम्हारे फादर बहुत अच्छे हैं। रस्टी भी कहता है कि वो बहुत अच्छे पर्सन है और इसी के साथ अच्छे राइटर भी है। केट को सैम के कपड़े दे देता है ताकि वो चेंज कर ले। वो दोनों बात कर रहे थे। बातों बातों में केट रस्टी से पूछ लेती है कि स्कूल में तुमने जो पोएम लिखी थी उसमें एक परी का जिक्र था, क्या तुम मेरे बारे में लिख रहे थे। रस्टी इसके लिए हाँ कहता है। इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं और किस कर लेते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को स्कूल में साथ में देखते हैं। अगले सीन में हम विलियम और त्रिशा को साथ में बेड में देखते हैं। वो दोनों इंटीमेट होने के बाद एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। त्रिशा उसे क्रिसमस के बारे में बात कर रही थी पर विलियम अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में उसे बता रहा था। त्रिशा उसे कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तुम अभी भी बहुत अट्रैक्टिव हो और सक्सेसफुल भी हो, तुम काफी फेमस हो और तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी। उसे पता था कि विलियम एरिका से अभी प्यार करता है पर वो कहती है कि अब एरिका की शादी हो चुकी है, अब तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम खुद को खुश नहीं देखना चाहते, मैं हमेशा पूरी जिंदगी तुम्हें उस लॉन में इंतजार करता नहीं देख सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम किसी लड़की के साथ बातचीत कर रही थी, उस लड़के को कुछ समझा रही थी पर उस लड़के का सैम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वहां से वो लड़का चला जाता है। तभी वहां पर लुइस आ गया, उसके साथ वो फिर से फ्लर्ट करने लगता है। उसे पूछता है कि वो लड़का कौन था।
सैम उसे ये सब बताना सही नहीं समझती। लुईस उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ कॉफी के लिए आओ। इसके बाद कॉफी पीते हुए अपने फेवरेट बुक्स पर वो दोनों डिस्कस करते हैं। लुईस अपनी फेवरेट बुक बताता है। ये सब डिस्कशन होने के बाद सैम वहां से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ केट रस्टी के घर पर आती है उसे क्रिसमस के लिए विश करने के लिए। वो रस्टी को कहती है कि अब तक मैं किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुई हूँ। इसके बाद वो दोनों करीब आ गए और इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में हम सैम को गाड़ी में लुईस का पीछा करते हुए देखते हैं। लुईस की मॉम काफी बीमार थी। लुईस उनके पास बैठकर उन्हें बुक पढ़ा रहा था। ये सब सैम दरवाजे से देख रही थी। लुईस की मॉम ने उसे नोटिस किया। नेक्स्ट सीन में एरिका और विलियम एक जगह पर मिले। एक्चुअल में विलियम सैम की लैपटॉप लेने के लिए आया था। वो दोनों मिलकर फिर बात करने लगते है। विलियम खुद पर डाउट कर रहा था। कहता है कि मैं कभी भी एक अच्छा राइटर नहीं था, सिर्फ अच्छा रीराइट कर सकता था। एरिका कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा से एक बहुत ही अच्छे राइटर हो, तुम्हें मेरे पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें अच्छे से राइट करना चाहिए। दोनों फिर एक दूसरे से जुदा होते वक्त अपनी यादों के बारे में बात करते हैं। एरिका उसे मैरी क्रिसमस कहकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम को पता चल जाता है कि लुईस की मॉम को ब्रेन ट्यूमर है। सैम उसके घर पर कॉफी पीते हुए अपनी लिखी हुई बुक लुईस को देती है। लुईस कहता है कि मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। नेक्स्ट सीन में विलियम और सैम को किचन में काम करता देखते हैं। वहां पर रस्टी भी आ जाता है। वो कहता है कि मैं केट से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसके लिए वो दोनों बहुत खुश थे। विलियम भी अब एक न्यू ईयर में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की बात कहता है। सैम अपने फादर को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि रस्टी केट के घर पर पहुंचता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लुईस और सैम ये दोनों डेट पर जाते हैं। लुईस सैम से कहता है, तुमने प्यार और शादी के बारे में अपने बुक में इस तरीके से क्यों लिखा है? सैम कहती है कि मैंने मेरी मदर को अपने फादर पर चीट करते हुए देखा था। वो किसी और के बहुत करीब थी, उनकी क्या बातें हो रही थी ये सब कुछ उसने सुन लिया था। ये सब बातें सैम के लिए बहुत ही हार्ड थी। इसके बाद सैम और लुईस ये दोनों गाड़ी में बैठे थे। बाहर बारिश चल रही थी और एक दूसरे का फेवरेट गाने के बारे में वो बात कर रहे थे। लुईस अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है। सैम को ये गाना बहुत अच्छा लगा। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस कर लेते हैं। इसके बाद वो साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विलियम और त्रिशा डेट पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। विलियम के पास पार्टी में जाने के लिए कलरफुल कपड़े नहीं थे, इसके लिए त्रिशा उसे हेल्प करती है। अच्छे से कपड़े पहनकर वो दोनों डेट के लिए जाते हैं, अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। वापस आते हुए विलियम एरिका को घर की विंडो से देखता है। वो देखता है कि एरिका उसकी बुक पढ़ रही थी। वो फिर अपनी रिंग निकालकर विंडो पर रख देता है। वो वहां से जा रहा था पर फिर से वापस आता है। नोटिस करता है कि एरिका जो बुक पढ़ रही है ये उसकी ही है, यानी कि विलियम ने लिखी हुई बुक। वो रियलाइज करता है कि एरिका अब भी उसे प्यार करती है। जो रिंग उसने छोड़ दी थी ये फिर से वो पहन लेता है। अगली सीन में हम देखते हैं रस्टी केट को लेकर अपनी मदर के घर पर आता है। वहां सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग एक पार्टी में दिखते हैं। सैम की बुक पब्लिश होने का सेलिब्रेशन था। यहाँ पर विलियम सबसे अपने बेटे रस्टी और केट का इंट्रोड्यूस करवाता है। सब यहाँ पर बहुत खुश थे। वहां पर विलियम और एरिका मिले। एरिका अब भी सैम से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। विलियम एरिका को समझाकर सैम के पास भेज देता है। सैम फिर से एरिका से अच्छे से बात नहीं करती। इस बात से एरिका का दिल टूट जाता है। यहाँ पर रस्टी केट को ढूंढ रहा था पर केट कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। रस्टी का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि केट ड्रग्स लेती है। वो एक गस नाम के लड़के जो एक ड्रग डीलर था उसके साथ बाहर गई थी। गाड़ी में उसने ड्रग का ओवरडोज कर लिया था। उन्हें वैसे ही बेहोश हालत में मिल जाती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम विलियम और सैम को घर के पीछे के लॉन में देखते हैं। विलियम सैम को लुईस के बारे में पूछ रहा था, तभी वहां से ट्रिशिया गुजरती है। विलियम फिर सैम को घर जाकर रस्टी को उठाने के लिए कहता है। सैम उन्हें कहती है कि मुझे आपके और ट्रिशिया के बारे में पता है। वो उनके लिए खुश थी और इसके बाद वो रस्टी के पास चली गई। बाद में रस्टी अपने फ्रेंड जेंसन के साथ वेट के नशे कर रहा था, एक सुपरमार्केट में था और तभी वहां पर जेक उसे देख लेता है। जेक एक केट का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो रस्टी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसे पकड़कर बहुत मारता है। इसके बाद रस्टी को केट का मैसेज आता है। उसने कहा कि वो रिहैब में जा रही है और इसी वजह से कुछ दिनों के लिए एक अलग शहर में रहेगी। रस्टी बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। ये सब नोटिस कर विलियम रस्टी को कहता है कि तुम्हें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। रस्टी उनकी बात नहीं मान रहा था। तुम दोनों में झगड़ा हो जाता है। विलियम उसे कहते हैं कि तुम्हें अब घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना। उस पर वो बहुत गुस्सा हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में विलियम और सैम ये दोनों बीच पर घूम रहे थे। एरिका के बारे में बात करते हुए विलियम कहता है कि एरिका का कोई भी फॉल्ट नहीं था, मैंने उस पर पहले चीट किया था और इसी वजह से वो किसी और के साथ है। ये सब सुनकर सैम को बहुत सैड लगता है। इसके बाद विलियम जाकर रस्टी को देखता है तो रस्टी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा था। अगले दिन सैम को लुईस का कॉल आता है। वो रोते रोते उसे कहता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। सैम लुईस के बुरे वक्त में उसका साथ देती है, अच्छे से ख्याल रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम एरिका के घर पर जाती है। डोर खोलने के बाद एरिका उसे डायरेक्टली गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में रस्टी को एक पब्लिशर का कॉल आता है। सैम ने उसकी बुक डायरेक्टली पब्लिशर को सेंड कर दी थी, जिसकी वजह से अब वो पब्लिश हो रही है। रस्टी इस बात से बहुत खुश था। इस गुड न्यूज के बाद सब लोग मिलकर किचन में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके साथ लुईस भी था। एक साथ सब लोग खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तभी डोर वेर बजती है। डोर पर एरिका आई हुई थी। विलियम उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। एरिका विलियम को उसने जो भी किया
किया था, इस सब के लिए माफी मांगती है। विलियम उसे गले लगाकर माफ कर देता है। आज एरिका फिर से उनके पास वापस आ गई थी और सब लोग मिलकर एंजॉय करते हैं। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।